जय भारतीय संस्कृति। नमस्कार मित्रों, मैं ज्योति आशीष सोनी एक बार फिर से आपके सामने एक नई पौराणिक कथा लेकर उपस्थित हुई हूँ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे आने वाले नए वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सकें। जय भारतीय संस्कृति। ऋषि पंचमी व्रत कथा। भाद्र शुक्ल पंचमी को ऋषि पंचमी कहते हैं। इस दिन गंगा स्नान करने का विशेष महात्मन्य है। यदि गंगा स्नान सुलभ ना हो तो पास वाली नदी या तालाब में स्नान करना चाहिए। यदि यह भी सुलभ नहीं हो तो घर पर प्राप्त जल में गंगा जल मिलाकर नहाना चाहिए। प्रातःकाल 108 बार मिट्टी से हाथ मांझकर मिट्टी, गोबर, तुलसी जी की मिट्टी, गंगा जी की मिट्टी, पीपल मिट्टी, गोपी चंदन, तिल, आंवला, गंगा जल, गौमूत्र आदि को मिलाकर इससे हाथ पांव धोएं। तत्पश्चात गणेश जी का कलश, नवग्रह तथा सप्तऋषि अरुंधति की पूजा करके कथा सुनें। पूजा के बाद 4 केले, थोड़ा घी, चीनी तथा दक्षिणा रखकर बायना निकालें। इस पर हाथ फेरकर किसी ब्राह्मण को दे दें। एक समय भोजन करें। भोजन में दूध, घी, नमक, चीनी, अनाज कुछ नहीं खाना चाहिए। फलाहार करना चाहिए। कथा। एक समय राजा सिताभ ने ब्रह्मा जी से पूछा, पितामह, उस श्रेष्ठ व्रत को बताइए जिसके करने से पापी के समस्त पाप नाश हो जाते हैं। राजा के यह वचन सुनकर ब्रह्मा जी बोले, राजन, ऋषि पंचमी का व्रत ही एक ऐसा व्रत है जिसके करने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। एक समय की बात है कि विदर्भ देश में उर्तक नामक ब्राह्मण अपनी पतिव्रता पत्नी के साथ रहता था। उस ब्राह्मण के एक पुत्र और एक पुत्री थी। उसके पुत्र का नाम शिवभूषण था। वह कुशाग्र और तीक्ष्ण बुद्धि वाला था। विवाह योग्य होने पर उसने अपनी पुत्री का विवाह सुयोग्य ब्राह्मण कुमार के साथ कर दिया। विवाह के एक माह पश्चात वह कन्या विधवा हो गई। अतः विधवा होने के पश्चात वह अपने धर्म का पालन करती हुई अपने पिता के यहीं रहकर ही अपने समय को व्यतीत करने लगी। विधवा कन्या के दुख से दुखी होकर उन तक अपने घरवार को अपने पुत्र को सौंप कर अपनी स्त्री और कन्या को साथ लेकर गंगा के किनारे चले गए और वहां आश्रम बनाकर रहने लगे। एक दिन कन्या सो रही थी। उसका शरीर कीड़ों से भर गया। कन्या ने सारी बात माँ से कही। माँ ने पति से सब कहते हुए पूछा कि मेरी साध्वी कन्या की दुर्दशा किस दुष्कर्म के कारण हुई है। अपनी पत्नी की बातों को सुनकर उन्तक मुनि ने समाधि लगाकर इस घटना का पता लगाकर बताया कि पूर्व जन्म में यह कन्या ब्राह्मणी थी। इसने रजस्वला होते ही बर्तन छू लिए और इस जन्म में भी इसने लोगों की देखा देखी ऋषि पंचमी का व्रत नहीं किया। रजस्वला स्त्री पहले दिन चंदालिनी, दूसरे दिन ब्रह्मघातनी तथा तीसरे दिन धोबिन के समान अपवित्र होती है। यह चौथे दिन स्नान करके शुद्ध होती है। यदि वह शुद्ध मन से अब भी ऋषि पंचमी का व्रत करे तो इसके सारे दुख दूर हो जाएंगे और अगले जन्म में अटल सौभाग्य को प्राप्त होगी। पिता की आज्ञा से पुत्री ने विधि पूर्वक ऋषि पंचमी का व्रत एवं पूजन किया। व्रत के प्रभाव से वह सारे दुखों से मुक्त हो गई। अगले जन्म में उसे अटल सौभाग्य सहित अक्षय सुखों का भोग मिला। इस प्रकार कथा यहाँ समाप्त होती है। जो भी स्त्री इस कथा को पढ़ती या सुनती है उनकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं तथा अटल सौभाग्य को प्राप्त करती हैं। जय भारतीय संस्कृति। आप सभी की सारी मनोकामनाएं पूरी हों। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों और साथियों को शेयर ज़रूर करिए। ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपके प्यार और स्नेह से आपके सामने लाते रहेंगे।
तब तक के लिए नमस्कार। जय भारतीय संस्कृति। अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखना।